बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुकर्रम सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाएंगे गोश्त और मटर की ज़बरदस्त सी रेसिपी, और वो भी हम बनाएंगे मट्टी की हांडी में, और ये बड़ी ही मज़ेदार बनती है और गाँव में ये बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हांडिया के अंदर हम पानी शामिल करेंगे, उसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। गोश्त जो है ये हमारा 1 kg है, 1 किलो। प्याज इसमें हम बड़े साइज के 2 शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें सब्ज़ लहसुन शामिल करते हैं। तीन अदद इसमें टमाटर शामिल करेंगे। कुछ इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च। नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला, और अदरक का पेस्ट। अब इसको हम चूल्हे के ऊपर रख लेंगे। मौसम चेंज हो गया, अभी की सर्दी इतनी ज्यादा रही नहीं, धूप में वैसे भी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, तो अभी हम हंडिया को चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। ये तकरीबन आधा घंटा लगेगा, क्योंकि हड्डिया में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, आधा घंटा या 40 मिनट लगेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो तमाम चीज़ें हमारी ये बड़े अच्छे तरीके से गल जाएंगी और मिक्सअप हो जाएंगी। ये पुराना ईंटों वाला भट्ठा है, यहाँ पे ईंटें बनती थी, तो अभी ये बंद पड़ा है। काफी टाइम हो चुका है, अभी चेक कर लेते हैं। हमारी तमाम चीजें थी जो वो हल हो चुकी हैं। तो ये गोश्त भी हमारा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। तो ये देखिए, अभी इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अभी 5 मिनट इसको हम और लगने देंगे। अभी ये तैयार है, नीचे उतारते हैं। अभी जो मटर है हमारे पास वो है ताज़ा, तो उनको हम अलग-अलग फ्राई करके हंडिया में शामिल करेंगे। अगर आपके पास मटर जो ताज़ा होते हैं वो नरम होते हैं, अगर साथ ही हम शामिल करते हैं तो वो हल हो जाने थे, इसलिए अगर आपके पास थोड़े सख्त हैं तो वो आप साथ भी जो है वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ताज़ा मटर है, इसलिए अब इनको हम अलग-अलग फ्राई करके हंडिया भी शामिल करते हैं। इसके लिए
कड़ाही को रहते हैं चूल्हे के ऊपर, ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम जो मटर हैं इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी थोड़ा सा नमक भी इनमें हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हंडिया में जो नमक है वो इतना ज़्यादा नहीं है। मटर बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, अभी इनको हम नीचे उतार लेते हैं। अभी हम हंडिया को रख लेते हैं ऊपर, मटर जो है वो शामिल कर लेते हैं हंडिया के अंदर। अभी हम मिक्स कर लेते हैं, तो इसमें ऑयल बिल्कुल ही डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अपनी चिकनाई है इसकी गोश्त की और कुछ जो ऑयल है वो मटरों में भी जज्ब हो गया था, इसलिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और अभी इसको हम 2 से 3 मिनट मज़ीद लगाएंगे, और उसके बाद इसमें सब्ज़ धनिया हम शामिल करेंगे। अभी हम सब्ज़ धनिया शामिल कर लेते हैं, और एक दिन पहले ही बारिश हुई थी और अभी भी आसमान पे जो है ना आज भी जो बादल हो गए हैं काफ़ी। अभी डालते हैं सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाह। हम रोटी के साथ बना रहे हैं, इसलिए जो शोरबा है वो बिल्कुल नहीं हमने बनाया, तो अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर आप इसका शोरबा बना सकते हैं। अभी ये बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मामू जान हमें टेस्ट करके बताएंगे कि ये हमारी हंडिया कैसी बनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी मामू जान, कैसी बनी जे हांडी? गोश्त और मटर जो आपने तैयार किए हैं ये अपनी मसाल आप हैं, और इनका जायका भी बेहतरीन है। मामू जान को हमारी हांडी बहुत ही पसंद आई है, तो आप इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।